एवरीवन, क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब लोग बहुत खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, रेड बटन दबा दें, बेल आइकन दबा दें, हेल्प मी टू ग्रो। आज है 23rd of December, कल का व्लॉग मैंने अभी डाला है और दोबारा ही दूसरा व्लॉग शुरू कर रही हूँ। आज जाना है, आई डोंट नो कहाँ जाना है, आसानी मुझे बोला है तैयार रहें, आप लोग साथ तो चलेंगे ही। तो अभी मैं बस चीज़ें समेट के काम और निपटा के फारिग हुई हूँ, मैं जा रही हूँ अब कुछ खाने की भूख लग रही है, वो करके मैं डायरेक्ट तैयार होकर अब आप लोगों से मिलूंगी, क्योंकि मुझे अभी बहुत सारा काम है और मेरा मोबाइल चार्ज नहीं है, तो मोबाइल भी चार्ज पे लगाना है, तो मैं तैयार होकर आप लोगों से डायरेक्ट तभी मिलूंगी। हाँ जी फ्रेंड्स, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ। मैंने आज बालों में दोबारा से अपने ब्रेड्स की थी और अभी खोली है तो बड़ा अच्छा लुक आ रहा है। लेट्स सी ये कब तक रहता है, कब तक रहता है। आज ऑफिस से निकल चुके हैं, मैं रेडी हो चुकी हूँ। आई होप मैंने बहुत ज़्यादा नहीं, लिपस्टिक तो हल्की है, सही है। तो बाकी आई एम सो एक्साइटेड, देखें कहाँ जाते हैं। अब मैं आपसे मिलती हूँ रास्ते में और या फिर वहाँ पहुँच के। ओके जनाब, नाउ वी आर ऑफ टू वेयर आई डोंट नो, मेरे मियाँ जी कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे अभी तक नहीं पता। तो जनाब, तो मेरे मियाँ जी मुझे लेकर आए हैं कोको चैन, एंड मुझे पता नहीं था इधर है, सरप्राइज अच्छा है। खैर अभी हमारे हम वेटिंग में हैं, हम रिजर्वेशन पर शायद इन्होंने करवा ली थी, लेकिन अभी भी कह रहे हैं कि थोड़ा वेट करें। तो लेट्स सी क्या होता है, क्या नहीं। हाँ जी जनाब, तो मैं ये जो वीडियो ट्राई कर रही हूँ ये दूसरे मोबाइल से कर रही हूँ, जो कि आसाद का पुराना मोबाइल था जो कि ख़राब हो गया था, हमें ठीक कर दूँ। अगर आप लोगों को इसकी क्वालिटी अच्छी लग रही है तो काइंडली मुझे ज़रूर बताएं, जिसके बाद आई एम गोना टू ड्रॉप फ्रॉम दिस मोबाइल। और सबसे पहले थैंक यू सो मच आसाद, हेलो आसाद मिलान, थैंक यू सो मच, हैप्पी एनिवर्सरी फिर से, बेस्ट एनिवर्सरी, मैं खैर दूसरी एनिवर्सरी की। तो अभी तो आसाद मुझे बहुत से सरप्राइजेस देंगे, अभी तो शुरुआत है इंशाल्लाह। मेरी ज़िंदगी सफल हो गई, मैंने आखिरकार आज डंपलिंग्स खाई लिए और आउट क्रॉस, गार्लिक ऑयल डाला हुआ था उसमें, सीजेम सीड्स थे और उसके अंदर आई थिंक क्रश्ड वो थी रेड चिली, चिकन डंपलिंग्स थे और बहुत मज़ेदार मज़ा आया। मैं तो बस धनी हो गई, थैंक टू माई हस्बैंड। फ्रेंड्स आई स्वेयर सुशी आउट क्लास है, मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई की है, बहुत ही यम्मी है, मतलब मैं धन्य हो गई भाई, बहुत मज़ा आया। अच्छा कैसी है, मतलब आई थिंक जिंदगी में सब कुछ ट्राई कर लो, जो जो मिल रहा है ना हलाल, वो सब कुछ ट्राई कर लो बस। हाँ मुझे चॉपस्टिक यूज़ करनी नहीं आती, लेकिन मैं डांडिया यूज़ करती हूँ। हाँ जी जनाब, तो खाना पीना हमारा हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़ा आया, हम फारिग हो गए हैं वेटिंग फॉर आवर कार, और ये रहे आसाद बिलाल, थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया। हम दोनों बहुत दिनों बाद ऐसे के इंसान किए थे, एम्बियांस बहुत अच्छा है, कोको चैन का खाना बहुत अच्छा, सुशी मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई की है, इट वॉज ऑसम, फुली कुक वाली, मतलब फुली कुक, हाँ फुली कुक की थी, उसके अंदर सेंगे आर्टिफिशियल क्रैब था, कुक प्रॉन्स थे, कुक फिश थी, और दूसरी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो
बहुत मज़े की थी, तो मस्त ट्राई वाली जगह है। और यहाँ पे बड़ी अच्छी लाइट आ रही है बेसिकली इसके साथ। खैर, इस ब्लॉग का एंड में यही करूँगी इसी बात के साथ कि हम दोनों को बहुत सारी दुआएँ दें, दुआओं में ख़ास तौर पर याद रखें हम दोनों को, विशेस लक, हैप्पी एनिवर्सरी टू अस, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, हेल्प मी टू ग्रो। इंशाल्लाह मिलूंगी अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।